Error code equals 510. Message. Invalid auth XML format. समस्या का समाधान कैसे करें? Erratech एप्लीकेशन को ओपन करके RDS वर्जन को चेक करें। अगर यह वर्जन 1.0.4 है आगे बताए अनुसार स्टेप्स को फॉलो करें। Error code equals 510. Message. Invalid auth XML format. समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले Wi-Fi मोबाइल डेटा को ऑफ करें। Wi-Fi ऑफ होने के बाद Erratech एप्लीकेशन ओपन करें। Erratech एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इंटरनेट नहीं होने का अलर्ट दिखेगा जिसमें कैंसिल बटन पर क्लिक करना होगा जिससे अलर्ट हाइड हो जाएगा। एप्लीकेशन में स्टेटस नॉट रेडी शो होगा तो 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद क्लियर डाटा ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। फिर वापस से Wi-Fi मोबाइल डाटा को कनेक्ट करें। Wi-Fi मोबाइल डाटा से कनेक्ट होने के बाद फिर से Erratech एप्लीकेशन को ओपन करें और स्टेटस रेडी होने तक इंतजार करें और जब स्टेटस रेडी हो जाए तो एप्लीकेशन को क्लोज कर दें तथा फिर से आप राशन वितरण कर सकते हैं। तो इस मशीन को Wi-Fi से कैसे कनेक्ट करें? POS मशीन को Wi-Fi से कनेक्ट करने के लिए सर्वप्रथम सेटिंग्स मेन्यू पर क्लिक करें। सेटिंग्स मेन्यू प्रदर्शित होने पर नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑप्शन पर क्लिक करें। नेटवर्क एंड इंटरनेट मेन्यू प्रदर्शित होने पर Wi-Fi ऑप्शन अगर ऑफ है तो Wi-Fi ऑप्शन को ऑन करें। Wi-Fi ऑप्शन ऑन होने के बाद Wi-Fi ऑप्शन पर क्लिक करें। Wi-Fi मेन्यू प्रदर्शित होने पर उपलब्ध Wi-Fi की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। जिस Wi-Fi से आप POS मशीन को कनेक्ट करना चाहते हैं उस Wi-Fi के नाम पर क्लिक करें। Wi-Fi के नाम पर क्लिक करने पर आपको पासवर्ड दर्ज करने का अलर्ट दिखाई देगा। दिखाए गए अलर्ट में सही पासवर्ड दर्ज करके कनेक्ट बटन पर क्लिक करें। वीडियो में दिखाए अनुसार आपकी POS मशीन Wi-Fi से कनेक्ट हो जाएगी। बायोमेट्रिक उपकरण नहीं मिला, समस्या का समाधान कैसे करें? जब आप अपनी बंद मशीन को ऑन करके राशन का वितरण करते हैं तब आपको लाभार्थी के आधार सत्यापन के समय बायोमेट्रिक उपकरण नहीं मिला की समस्या आती है। बायोमेट्रिक उपकरण नहीं मिला की समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम सेटिंग्स मेन्यू पर क्लिक करें। सेटिंग्स मेन्यू प्रदर्शित होने पर फिंगरप्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। फिंगरप्रिंट मेन्यू प्रदर्शित होने पर फिंगरप्रिंट ऑप्शन ऑफ मिलने की स्थिति में फिंगरप्रिंट ऑप्शन को ऑन करें। यदि फिंगरप्रिंट ऑप्शन ऑन मिलता है तो फिंगरप्रिंट ऑप्शन को ऑफ करके वापस ऑन करें। ऐसा करने पर बायोमेट्रिक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको एप्लीकेशन में दिखाए गए स्टेटस के रेडी होने तक वेट करना होगा। एप्लीकेशन में दिखाए गए स्टेटस के रेडी होने पर आप राशन वितरण कर सकते हैं। लॉगिन कैसे करें? राशन वितरण के लिए RJPDS एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इस स्क्रीन पर आप अपनी भाषा का चयन भी कर सकते हैं। अपनी भाषा का चयन करने के बाद आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा। दिखाए अनुसार आइकन पर क्लिक करके आप दर्ज किया गया पासवर्ड देख सकते हैं। पासवर्ड दर्ज करके आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। आपका दर्ज किया हुआ पासवर्ड सर्वर से प्रमाणित किया जाएगा। अगर आपका पासवर्ड सही नहीं है तो आपको पुनः सही पासवर्ड दर्ज करने का अलर्ट दिखाई देगा। यदि दर्ज किया हुआ पासवर्ड सर्वर से प्रमाणित हो जाता है FTS पासवर्ड प्रमाणित होने का अलर्ट दिखाई देगा। पासवर्ड सर्वर से प्रमाणित होने के बाद एप्लीकेशन के नए संस्करण की जांच की जाएगी। अगर एप्लीकेशन का नया संस्करण उपलब्ध है तो आपको एप्लीकेशन को अपडेट करने का अलर्ट दिखाई देगा। सफलतापूर्वक लॉगिन होने के बाद आपको राशन वितरण स्टॉक का प्रबंधन लेन देन की रिपोर्ट एवं लाभार्थी का अंतिम बिल आदि विकल्प दिखाई देंगे।
लॉगिन होने के बाद चयनित भाषा कैसे बदल सकते हैं? RJPDS एप्लीकेशन में सफलतापूर्वक लॉगिन होने के बाद आप अपनी चयनित भाषा बदल सकते हैं। दिखाए अनुसार आपको भाषा बदलने के लिए आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी चयनित भाषा हिंदी है और आप उसे अंग्रेजी में बदलना चाहते हैं, तो आपको दिखाए गए अलर्ट में हाँ बटन पर क्लिक करना होगा। दिखाए अनुसार आपकी चयन